कैसे हो भैया? कैसे हो? ठंडी हो गई भैया सामने। अर्चना जी चाय ठंडी हो गई। अर्चना जी आइए बैकड्रॉप पे आइए। अर्चना जी चाय ठंडी हो गई। आइए 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 अर्चना जी। Yeah.
यहाँ पे देखिए मैडम रुक जाए रुक जाओ हाँ बाइक कर दे बाइक करते बाइक आगे आ जाइए आप पूछेंगे Congratulations, today is the first day. The episode is going live at 9 o'clock. Guys, please watch it. And thank you for Khatron Ka Khiladi for wearing Glamfit in their episode. I'm very glad and thank you very much. Thank you. सबसे पहले आपकी एंट्री जिस तरह आपको चाहिए थी उस तरह ही क्या कुछ कहना चाहोगे आज टेलीकास्ट होने वाली है वो एंट्री ऑफ कोर्स एंट्री का मतलब क्या होता है आपका पहला जब आप देखो लोगों को देखो लोगों के सामने आओ तो मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि मुझे अपनी चॉपर में एंट्री चाहिए और वैसे ही एंट्री होगी प्लीज़ ये सीज़न देखना बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक इतना रोए हैं लोग इतना चोटें लगी हैं बहुत मजा आई हमें करने में तो मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को देखने में भी बहुत मजा आएगी yes, आज के दिन के लिए कितना स्पेशल होने वाला है सीजन 13 आज से टेलीकास्ट ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं टेल अस समथिंग अबाउट इट ये सीज़न स्पेशल इसीलिए है मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला रियलिटी शो है और सारे कंटेस्टेंट बहुत अलग अलग फील्ड से आए हैं कोई सिंगर है कोई रैपर है कोई टीवी से है कोई फिल्म से है सो इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ ऑल दी डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ और पहली बार लोगों से मिली बट मुझे समझ में आया कि सब लोग एक से बढ़कर एक हैं थैंक यू थैंक यू सबसे पहले किस तरह इधर आ जाइए यस रोहित जी सबसे पहले टेल अस समथिंग अबाउट जिस तरह डिमांड किया उसी तरह आपकी एंट्री आज देखने वाले हैं हम ज्यादा काफी एक्साइटेड हैं टेल अस हां वो तभी मैं आई हूं ऐड ऐड में आई हूं पहले से लगा रहे थे पहले से सबसे पहले अर्चना अर्चना जी जी थैंक यू सो मच जैसे कि होता है जब इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा धीरे धीरे ना ग्रो करना चाहिए तो अभी फिलहाल मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप को मैं ट्यूशंस ले रही हूँ इंग्लिश के और बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट्स नया नया मेकअप ये सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ तो बस उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ जी जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो चीज़ है ना बोल दो मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि इसलिए ना मैं मुंह फट रहती हूँ इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया बाकी लोगों ने बोला भी कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है किसी को हर्ट हो सकता है तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा तो अभी क्या है कि जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ बट ऑफकोर्स मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ मतलब उल्टा नहीं बोलती हूँ किसी को जी 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 कोई दोस्त नजर आ रही है बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ एक्चुअली क्या हुआ था
हम लोगों की दो फ्लाइटें थी, एक में मैं नायरा और ऐश्वर्या थे और भी डेजी वेजी डेजी और भी बहुत सारे शहजान ये सब लोग थे। पहली वाली फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए वैनिटी में एक साथ, वो दो लोग थे ऐश्वर्या और नायरा। तो हम तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना उसे तीन त्रिमूर्ति भी बोला गया था, तो हम लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड बना है। अच्छा माना जा रहा है फाइनल तक जी, पे आपका जी, नाम है। जी इस पे कितनी सच्चाई है? वो तो आपको खतरों के खिलाड़ी देख के पता चलेगा, बट ये है कि जो जनता ने सोचा था मैंने उनको डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने फैंस को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से स्टंट किए हैं, कोशिश की है करने की, तो वो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। अर्चना आप जब बिग बॉस में जा रही हैं जी, उस भी अगर आपका ग्राफ देखा जाए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक और रियलिटी शो करेंगे आफ्टर बिग बॉस, वो कैसी फीलिंग थी जब आपको ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी और अब आप आ चुकी हैं वहां? जी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी, बस था कि पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, 50-50 था, बट जब मुझे ऑफर आया खतरों के खिलाड़ी का तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और छिपकली है उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, भगवान का टच वुड कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़ ठंडे पानी के, वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर लगा ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थैंक यू अर्चना। अब यहाँ पे इधर अर्चना आप एज इज जस्ट अ नंबर बार बोल दिया उन्होंने। एक्चुअली इंग्लिश इसलिए क्योंकि मैं जब केप टाउन में गई थी ना तो मुझे सारे फॉरेनर्स मिले, वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, क्रू मेंबर इंग्लिश में बात करते थे, तो मुझे ना प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करूँ, तो मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जाने के लिए इंग्लिश इज कंपलसरी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तुम कहाँ गायब हो? सबसे पहले ये जो सफर है आपके फैंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से देखो आज के दिन को? बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला, और ये इंडिया का नंबर वन शो सिर्फ कहने के लिए नहीं एक्चुअली है, क्योंकि जब ही हमने किया था हमें पता चला, और कितने स्टंट तो मैंने अर्चना ने साथ में किए, और ओह माय गॉड, अरे भैया नौ चंदी का मेला और हलवा पराठा जो याद आया है। हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था और मुझे ये बात पता नहीं थी और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है, तो वहाँ जाके उन्होंने बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, मुझे डर, मैं देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले तो। तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही है तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले, दही बल्ले सब हमने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर, वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे बाद में। आपका और अर्चना का जो फाइनल की जो दौड़ रहती सबसे ऊपर आप दोनों का नाम है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मेरठ वाले हैं तगड़े तो हैं, तगड़े तो हैं, बाकी हम ये स्पॉइल नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो हमने किया है ना हम चाहते हैं कि वो हमारे फैंस ऑडियंस बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सच में इंजॉय करने वाली चीज़ है, राइट राइट राइट, और अर्चना ने जितना इंजॉय दिया है ऑडियंस को ये हैट्स ऑफ टू अर्चना। तीनों के साथ किस तरह सबसे स्ट्रॉन्ग हुई आप लोग, सबने कहा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी, जी जी उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे किस तरह मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग थे डीनो? हम एक ही बात बोलते थे मैन वर्सेस वाइल्ड है डीनो, मतलब इंसान और पूरी पूरी ताकत से लड़ा दो, ताकत जानवर से लड़ा दो, उसको शेर के सामने ऐसी खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। एक्चुअली वो ना पहली बात तो उसको ना टेंशन नहीं है, उसने जो भी स्टंट किए ना
एक खासियत खासियत डीनू भाई की ये थी कि उनके दिमाग में ना एक बड़ी शांति वाला फीचर था, हमें अपने आप को काम करना पड़ता था, उनमें ऑलरेडी था इनबिल्ट कि वो शांति थे नेचर में, मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी, ना ना होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, जिसमें सबकी हालत खराब होती थी उनको मजा आता था, मजा आ गया क्या, अरे हालत खराब हो गई ऐसा था, वो इतना स्ट्रांग था। शिजान अर्चना ने बोला उनका फोबिया लिजर्ड के साथ था, आपका किससे फोबिया था और किससे? अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर, तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल रहा था। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा आज ही एपिसोड में दिखेगा शायद, हाँ आज के एपिसोड में शायद नहीं कल के एपिसोड में, तो क्या था एक सांपन थी, सांपन सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप नागिन इनके नाम से सांपन, सांपन थी तो वो सांपन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में बाजू में ये था, तो वो सांपन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के और उस सांपन ने इसको लपेट लिया और मैं सोच रहा हूँ मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था, अर्चना का सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरी हालत खराब, मैं कहा ये क्या हो गया यार। तो वो सच में वो बहुत, मतलब जब भी हम दोनों साथ में रहे ना उस बात को जरूर याद किया हमने, मजा आएगा, मतलब आप देखना क्या हुआ फिर बाद में, ट्रिम करा है इसके पीछे क्या कुछ कारण है, कहां ट्रिम करा है, पूरी पूरी की पूरी चोटी नहीं नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल ट्रिम नहीं कराया, मोड़ लिया क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, कभी कभी बाल अच्छे नहीं दिखते थे, शिजान बाल नहीं अच्छे दिख रहे तुम्हारे, इनको ना चोटी को थोड़ी ऐसे को कर लो, तो भाई उसके लिए भी थैंक यू। और एक इसने पनौती चोटी भी बनाई थी, अरे यार उसके बारे में इनको देख नहीं दो, पनौती चोटी बनाई थी भाई साहब मैंने, तो अब उसके साथ क्या हुआ ऑडियंस को इन्जॉय करने दो जी, आप लोग देखना बस, आप लोग देखना हो चुका है खतरों के खिलाड़ी, आज भी आएगा कल भी आएगा सैटरडे संडे आएगा, आप लोग बहुत मजा आएगा, इस बार जितने स्टंट हुए कितने सारे नए स्टंट हुए तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है, थैंक यू। एक चैनल आईडी